फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इंटीग्रल बाय पार्ट्स संखंडसा विधि द्वारा समाकलन किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बता दिया था, एक से लेकर आठ तक क्वेश्चन को भी सॉल्व किए थे। तो आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 से बहुत ईजी तरीके से समझेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपना 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा, तो 9 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। आइए, किस तरह से करेंगे। इसका सोल्यूशन होगा बहुत ही प्यारे तरीके से। तो दोस्तों देखिए, ये क्या है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, एक बार दो से भाग देते हैं, तो एक बार क्या करना होगा, अंदर में दो से गुना करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin 2x cos 2x dx, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये बताइए, 2 sin x into cos x क्या होता है, sin 2a होता है, sin 2x होता है ना, तो मतलब इस एंगल का दोगुना हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से x हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस एंगल का दोगुना, sin 4x, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसको क्या करना होगा, खंडसा विधि द्वारा समाकलन करेंगे, ठीक है। तो 1/2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर में रहने दीजिए, और अंदर में इसका खंडसा विधि द्वारा समाकलन करेंगे। तो पहले अपना u इसको मान लेंगे, तो इसमें क्या मान लेते हैं, लेट u बराबर एलजेब्रिक वाला को, और v बराबर किसको मान लेते हैं, sin 4x को, ठीक है। तो यहाँ से अब किस तरह से सॉल्व होगा, पहले x लिख लेंगे, sin 4x का इंटीग्रल निकालना होगा किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ पहला का डेरिवेटिव निकालना होगा x के सापेक्ष, फिर उसके बाद भी जो होगा उसका इंटीग्रल चाहिए x के सापेक्ष, ठीक है। उसके बाद 4 मतलब पूरे का इंटीग्रल होगा x के सापेक्ष, ठीक है, यही होगा अपना इंटीग्रेशन। तो 1/2 है तो 1/2 रहेगा, ब्रैकेट के अंदर x है, x रहने दीजिए, sin 4x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, -cos 4x/4, माइनस है, माइनस दे देंगे, इंटीग्रल ऑफ dx/dx 1 होगा, sin 4x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, -cos 4x/4, और इसका पूरा का इंटीग्रल निकालना होगा फिर से x के सापेक्ष, ठीक है। तो 1/2 अपना बाहर में है, अंदर में क्या हो जाएगा, -x cos x cos 4x/4, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और cos 4x/4 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, cos 4x का इंटीग्रल होगा sin 4x, भाग देना होगा 4 से, और पहले भी 4 है तो 16 हो जाएंगे प्लस c। अब बाहर वाले को देखिए, इस दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, 16 कॉमन लेते हैं, तो बाहर में बचेगा 1/32, ठीक है। तो अंदर में क्या बच रहा है, -x cos 4x, नीचे हम कॉमन लिया क्या 16, तो यहाँ 4 से एक बार और गुना भी करना होगा, तो ऊपर में 4 से गुना कर देते हैं, तो -4x cos 4x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, sin 4x प्लस c। तो यही रहा अपना सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। तो दोस्तों आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। ये भी बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व होगा, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो दोस्तों, इसके सोल्यूशन में करना क्या होगा, पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको भी सॉल्व करेंगे। तो एक बार क्या करेंगे, दो से भाग देंगे, तो एक बार दो से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos, बड़ा वाला एंगल को पहले लिख लीजिए, 2x into क्या हो जाएगा, cos x dx। तो देखिए ये क्या आ गया, 2 cos into cos b, उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख दिए। क्या होता है, cos a + b + cos a - b, यही होता है ना, तो इसको उस फॉर्म पे ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x है पहले से तो x रहेगा, cos a + b, दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3x हो जाएगा, cos 3x, प्लस एक बार दोनों एंगल को घटा के लिखेंगे, घटाने पर कितना बच रहा है, सिर्फ x, तो cos x हो जाएगा, इसका इंटीग्रल x के सापेक्ष, ठीक है। अब दोनों टर्म को अलग अलग करते हैं, तो क्या होगा, 1/2 इंटीग्रल ऑफ x into cos 3x का ना, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, फिर प्लस है तो प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ किसका, x को गुना करेंगे इससे, cos x से, इसका इंटीग्रल x के सापेक्ष। तो आप खंडसा समाकलन विधि द्वारा कीजिए इसका इंटीग्रल, तो 1/2, और इसको बंद कर लीजिए इधर। अब इसका निकालेंगे पहले, तो पहले u इसको मान लेते हैं x को, भी मान लेते हैं cos 3x को, इसमें भी u मानेंगे x को और भी मानेंगे किसको, cos x को, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल निकालना है, तो x लिखेंगे पहले, इंटीग्रल किसका, cos 3x का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, dx हो जाएगा, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ क्या होगा, पहले डेरिवेटिव किसका, x का, x के सापेक्ष, उसके बाद इंटीग्रल निकालेंगे cos 3x का, और उसके बाद पूरे का इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, प्लस है, प्लस दे दीजिए 1/2, और फिर ब्रैकेट बंद कीजिए ऐसे, और x हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ किसका, cos x का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, माइनस इंटीग्रल ऑफ dx
बाई डी एक्स इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, उसके बाद पूरे का इंटीग्रल निकालेंगे एक्स के सापेक्ष, तो यही होगा। इसमें भी यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 बाई टू, ब्रैकेट बंद करके इसमें होगा एक्स, कॉस थ्री एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन थ्री एक्स डिवाइडेड बाई थ्री, एक्स का गुणांक तीन है तो तीन से भाग देंगे, माइनस डी एक्स बाई डी एक्स क्या होगा वन, कॉस थ्री एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन थ्री एक्स डिवाइडेड बाई थ्री, ठीक है, इसका इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष। इसको बंद कर लेते हैं, फिर प्लस वन बाई टू, इसमें क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे एक्स साइन एक्स, माइनस इसका डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स क्या होगा वन होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, अब उसका इंटीग्रल निकालना होगा एक्स के सापेक्ष। तो आइए देखते हैं अब इसके आगे का सोल्यूशन। तो ये वन बाई टू है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वन बाई टू को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, एक्स साइन थ्री एक्स बट्टा तीन को दो से गुना करेंगे तो छः हो जाएगा, माइनस कोसाइन थ्री एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस थ्री एक्स होगा, माइनस ले लीजिए पहले, साइन थ्री एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस थ्री एक्स होगा, प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया कितना कॉस थ्री एक्स, इसमें तीन से भाग देना होगा तो नीचे में हो जाएगा नौ, और बाहर वाला दो से गुना होगा तो कितना हो जाएगा अट्ठारह, प्लस वन बाई टू से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई टू, और ये कितना है माइनस, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स हो जाएंगे, बट्टा में इधर वाला दो भी आएगा और प्लस सी। तो यही रहा अपना सोल्यूशन प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन, ये भी बहुत ही जिस तरीके से सॉल्व होगा बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व होगा। तो इसके सोल्यूशन में क्या करेंगे, हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी क्या है, दो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको किसी भी तरह से किसी फॉर्मूला पे ले आके एक में बदल लेना है। तो एक बट्टा दो से भाग देते हैं तो दो से गुना करना होगा तो ये क्या हो जाएगा टू साइन, और बड़ा एंगल वाला को पहले लिख लीजिए, छोटे एंगल वाला को बाद में लिख लीजिए ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में सहूलियत हो, इस फॉर्म पे लाया जा सके। तो ये क्या आ गया टू साइन ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो देखिए इसको उसी फॉर्मूला पे लाएंगे तो ये वन बाई टू होगा, इंटीग्रल ऑफ किसका निकलना होगा, पहले क्या होगा कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस, और एंगल को घटाएंगे टू एक्स में से एक्स को घटाएंगे तो एक्स बच जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस दोनों को जोड़ेंगे दो एक्स और एक्स को तो कितना हो जाएगा कॉस थ्री एक्स, इंटीग्रल किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष। तो देखिए वन बाई टू अपना कांस्टेंट है बाहर में तो इसको रहने दीजिए, अंदर में सभी को अलग अलग करके सेपरेट कर लीजिए, तो किसका इंटीग्रल एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रल किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, इंटीग्रल किसका एक्स कॉस थ्री एक्स का ना, तो एक्स कॉस थ्री एक्स का इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब खंडसव विधि द्वारा समाकलन करेंगे इंटीग्रल बाय पार्ट्स, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, पहले इस टर्म का निकालेंगे, इसको u मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, इसमें भी इसको ये x को u मान लेते हैं चूंकि एल्जेब्रिक है और cos 3x तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसको मान लेंगे भी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना होगा, पहले x लिख देते हैं, cos x का इंटीग्रल किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, माइनस इंटीग्रल ऑफ d ऑफ u मतलब d ऑफ x बाय d ऑफ x, ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष, इंटीग्रल निकालेंगे किसका कॉस एक्स का, किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष, उसके बाद पूरे का इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष। तो इधर का काम हुआ, अब माइनस देंगे, माइनस क्या होगा पहले एक्स लिखेंगे, इंटीग्रल निकालेंगे किसका कॉस थ्री एक्स का, ठीक है, किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष, माइनस क्या हो जाएगा डी ऑफ एक्स बाई डी ऑफ एक्स, इंटीग्रल निकालना होगा कॉस थ्री एक्स का एक्स के सापेक्ष, उसके बाद पूरे का इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष, ब्रैकेट को बंद कर लेंगे। तो ये हो गया वन बाई टू, ब्रैकेट में एक्स होगा कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा साइन एक्स होगा, माइनस है तो माइनस दे देंगे, इंटीग्रल इसका तो वन हो जाएगा डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष वन होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा साइन एक्स, अब इसका इंटीग्रल निकालना होगा एक्स के सापेक्ष, माइनस है माइनस दे दीजिए, एक्स कॉस थ्री एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा साइन थ्री एक्स डिवाइडेड बाय थ्री हो जाएंगे, और ये माइनस है तो माइनस देंगे, ये वन हो जाएगा, कॉस थ्री एक्स का इंटीग्रल क्या होगा साइन थ्री एक्स डिवाइडेड बाय थ्री, इसका इंटीग्रल निकालना होगा एक्स के सापेक्ष तभी तो पूरा सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो देखिए ये वन बाई टू अपना कॉन्स्टेंट बाहर में है रहने दीजिए, ये अंदर में हो गया एक्स साइन एक्स, और ये साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा माइनस कॉस एक्स होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ प्लस कॉस एक्स, माइनस है माइनस एक्स कितना है साइन थ्री एक्स डिवाइडेड बाई थ्री, और साइन थ्री एक्स का इंटीग्रल क्या होगा माइनस कॉस थ्री एक्स, तो प्लस हो जाएंगे, ये
कॉस थ्री एक्स और पहले से भी तीन है, तीन से भाग देना पड़ेगा, दोनों को गुना करके होगा 9 प्लस सी। तो यही रहा अपना सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का। तो दोस्तों आइए उसी तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का भी सॉल्यूशन। ये भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा सॉल्यूशन होगा। इसमें भी क्या करना होगा, दो से भाग, दो से गुना, तभी तो हम इस फॉर्म पे लाएंगे इसको। तो ये होगा 1/2, दो से गुना भी करना होगा, तो इसको हम लिख लेते हैं 2 sin 2x, चूँकि बना वाला एंगल अपना 2x ही है, तो उसको पहले लिखते हैं cos x dx हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या आ गया, ये 2 sin a into cos b, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। 2 sin a into cos b बराबर क्या होता है, sin a plus b plus sin a minus b, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ x, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin a plus b मतलब sin 3x प्लस sin a minus b, मतलब इसका एंगल घटा देंगे तो ये हो जाएगा sin x। इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। बाकी क्वेश्चन की तरह ही इसमें भी 1/2 कॉन्स्टेंट है, तो बाहर में रहने दीजिए, सेपरेट कीजिए अंदर में अलग अलग। तो x sin 3x का इंटीग्रल x के सापेक्ष प्लस इंटीग्रल ऑफ किसका, x sin x का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, डब्बा बंद। तो देखिए अब यहाँ से भी इसका इंटीग्रल करेंगे बाय पार्ट्स मेथड से, बड़ा वाला बॉक्स है ऐसे रख देते हैं, इसका इंटीग्रल निकालना है तो x हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ sin 3x हो जाएगा किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, माइनस इंटीग्रल ऑफ d ऑफ x बाय d ऑफ x, इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा sin 3x किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, उसके बाद पूरे का इंटीग्रल निकालना होगा x के सापेक्ष, प्लस है तो प्लस दे देंगे, इसका इंटीग्रल अब निकालना है तो ये हो जाएगा x इंटीग्रल ऑफ sin x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा dx/dx होंगे, इंटीग्रल ऑफ किसका निकालना होगा sin x का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, बच गया तो अब पूरे का इंटीग्रल निकाल देंगे x के सापेक्ष, डब्बा बंद, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, डब्बा में इंटीग्रल x हो जाएगा sin 3x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cos 3x, x का गुणांक है 3 तो 3 से भाग भी देंगे, माइनस ये हो जाएगा 1, और sin 3x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस cos 3x/3। तो इस माइनस को हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका इंटीग्रल x के सापेक्ष, फिर प्लस है प्लस दे देंगे, x हो जाएगा, और sin x का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस cos x, तो यहाँ सीधे कर दीजिए माइनस, यहाँ हो जाएगा cos x, ये है माइनस, माइनस इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रल, माइनस कॉस एक्स ना, माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रल किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, हो गया यहाँ तक काम। तो इस माइनस को क्या करते हैं, हम बाहर लेके डायरेक्ट से प्लस कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएंगे, 1/2 कॉमन ले लिए, इसमें से कॉमन था ही पहले से, ये हो जाएगा माइनस एक्स cos 3x/3, वही cos 3x/3 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sin 3x/3 होंगे, और पहले से भी 3 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें, तो हो जाएगा 9, माइनस ये क्या है x cos x, उसके बाद प्लस cos x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा sin x, और लास्ट में हम कोई कांस्टेंट जोड़ देंगे इंटीग्रल निकालने के बाद। यही हो गया अपना सॉल्यूशन प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो दोस्तों आइए बाकी क्वेश्चन की तरह देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का भी सोल्यूशन। ये भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा इसका सोल्यूशन होगा। इसके सोल्यूशन में भी क्या करना होगा, दो से भाग देते हैं, दो से गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा x into 2, और cos 6x इसका एंगल बड़ा है ना, तो इसको पहले लिख लेंगे 2 cos 6x, और sin 5x छोटा है तो उसको बाद में लिख लेंगे sin 5x dx। तो ये किस फॉर्म पर आ गया, 2 cos a into sin b, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है फॉर्मूला, sin a plus b minus sin a minus b, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ x हो जाएगा, ये क्या होगा sin a plus b, पहले लिखेंगे मतलब sin क्या हो जाएगा 6 5 11 x हो जाएगा, और माइनस देखे sin a minus b क्या हो जाएगा sin, और इस दोनों में से घटाएंगे 6x में से 5x को घटाएंगे तो सिर्फ x बचेगा, इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ठीक है। तो अब देखिए सेपरेट कीजिए 1/2 और ये डब्बा ले लीजिए, इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा x sin 11x किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, फिर क्या होगा माइनस इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा x sin x किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस में है। तो ये हो जाएगा 1/2, डब्बा लेंगे, इसका इंटीग्रल अगर निकालना है तो इसको मान लेते हैं x को मान लेते हैं u, sin 11x को मान लेते हैं v, आइलेट वाले फॉर्मूला पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इंटीग्रल ऑफ किसका, sin 11x का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, माइनस उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे x का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा sin 11x
का इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष, और उसके बाद पूरे का इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष, माइनस है तो माइनस दे देंगे, और क्या होगा एक्स इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष, फिर माइनस देंगे, यहाँ से इसको घेर लीजिए, ठीक है, और क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ इसका डेरिवेटिव निकालेंगे डी ऑफ एक्स बाई डी ऑफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा साइन एक्स किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष, उसके बाद पूरे का इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष, इसको मिडिल ब्रैकेट में पहले घेर लेते हैं, यहाँ ये हो गया मिडिल ब्रैकेट, और बड़का वाला डब्बा है वो दे देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ, अब इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो साइन 11x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा माइनस कॉस 11x, x का गुणांक है 11 तो 11 से भाग देंगे, और ये माइनस है तो माइनस दे दीजिए, साइन 11x का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस 11x ना, तो इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा माइनस कॉस 11x डिवाइडेड बाई 11, तो इस माइनस को क्या करिए पहले यहाँ प्लस कर लेते हैं इंटीग्रल x के सापेक्ष, माइनस ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ले लेंगे, क्या है x साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x होता है, तो इस माइनस यहाँ लिख लेंगे माइनस कॉस x, ठीक है, x का गुणांक कुछ नहीं है एक है तो एक से भाग नहीं देंगे, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव x का क्या हो जाएगा 1 ही होगा, साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x ना, इंटीग्रल किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, डब्बा बंद कर लेंगे यहाँ से, इस माइनस को हटा के यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये क्या हो गया 1/2, इसके बाद अंदर में क्या है माइनस एक्स कॉस 11x डिवाइडेड बाई 11 प्लस कॉस 11x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा साइन 11x प्लस साइन 11x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121 होगा, और माइनस है ब्रैकेट ले लीजिए, एक्स कॉस एक्स क्या है माइनस में है माइनस एक्स कॉस एक्स, और प्लस इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स हो जाएंगे, इसको ब्रैकेट खोल दीजिए, तो इसका आंसर अपना क्या हुआ माइनस वाले को सॉल्व कीजिए, तो इसमें से शायद बुक में आंसर लिए हुआ है कितना कॉमन क्वेश्चन नंबर कितना है 13, तो आंसर में बस यही है, आंसर में बस वही 1/2 है, तो 1/2 हो जाएगा, डब्बा में क्या दिया हुआ है माइनस एक्स कॉस 11x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे 11 प्लस क्या होगा साइन 11x साइन 11x डिवाइडेड बाई 121, और देखिए यहाँ ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस प्लस एक्स कॉस एक्स एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस से ये प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो होगा माइनस, बच गया साइन एक्स, ठीक है, डब्बा बंद प्लस सी, तो यही रहा अपना सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 का। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का भी सोल्यूशन, ये भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जैसे पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करते आए हैं वैसे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन, तो इसके क्वेश्चन में भी इस क्वेश्चन में भी इसका सोल्यूशन होगा, बस उसी टाइप से 1/2 से भाग दीजिए 1/2 से गुणा कीजिए, तो क्या हो जाएगा 2, और बड़ा वाला एंगल को पहले लिख लेंगे 2cos 3x इंटू कॉस 2x हो जाएगा dx, ये किस फॉर्म पे आ गया 2cos a इंटू कॉस b वाले फॉर्म पे, तो 2cos a इंटू कॉस b बराबर आपने क्या पढ़ा है cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, ठीक है, यही ना पढ़े हैं, तो इसके इसको क्या करेंगे उस फॉर्म पे ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ x है तो x रहने दीजिए, इसको क्या हम लिख सकते हैं cos ऑफ a प्लस b, दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5x प्लस cos ऑफ a माइनस b, एंगल को अगर घटाएंगे तो बच जाएगा सिर्फ cos x, इंटीग्रल किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, तो 1/2 अपना बाहर में है उसको रहने दीजिए, एक डब्बा ले लीजिए, क्या हो जाएगा इंटीग्रल किसका x cos 5x का किसके सापेक्ष x के सापेक्ष प्लस इंटीग्रल ऑफ x cos x का किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, डब्बा बंद, ठीक है, तो इसके आगे का सोल्यूशन अब करेंगे किस टाइप से इंटीग्रल बाय पार्ट्स मेथड से, तो 1/2 डब्बा ले लेंगे, इसके बाद इसमें क्या करेंगे इसको x को मान लेंगे u, हर क्वेश्चन में जैसे मानते आ रहे हैं बस उसी तरह से, तो x बाहर रह लेगा cos 5x का इंटीग्रल किसके सापेक्ष x के सापेक्ष माइनस इंटीग्रल निकालेंगे x का x के सापेक्ष और डेरिवेटिव निकालेंगे x का x के सापेक्ष और इंटीग्रल cos 5x का x के सापेक्ष, उसके बाद पूरे का इंटीग्रल x के सापेक्ष प्लस है प्लस देंगे, अब इसका बारी है तो इसमें भी हो जाएगा x इंटीग्रल ऑफ cos x x के सापेक्ष माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब डेरिवेटिव निकालेंगे किसका x का x के सापेक्ष
और बच गया कॉस एक्स, तो उसका इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष, और बस पूरे का इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष, डब्बा बंद। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या हो जाएंगे, वन बाई टू डब्बा के अंदर एक्स, कॉस फाइव एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन फाइव एक्स, लेकिन एक्स का गुणांक है पाँच, तो पाँच से भाग देंगे माइनस, ये क्या हो जाएगा वन, कॉस फाइव एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन फाइव एक्स डिवाइडेड बाई फाइव, इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष, प्लस है प्लस दे देंगे एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, माइनस है तो माइनस दे देंगे, इंटीग्रल ऑफ ये हो जाएगा वन, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन एक्स, इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष, डब्बा बंद। ठीक है, तो ये हो गया वन बाई टू बॉक्स के अंदर एक्स साइन फाइव एक्स डिवाइडेड बाई फाइव माइनस, और साइन फाइव एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस फाइव एक्स, तो ये माइनस क्या करेंगे, पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्लस हो जाएगा, कॉस फाइव एक्स होंगे, पाँच पहले से नीचे में है, पाँच से फिर भाग देंगे, तो दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना, एक्स साइन एक्स, माइनस हो जाएंगे कितना, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या, माइनस कॉस एक्स, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स, और लास्ट में कोई कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, तो यही रहा अपना सोल्यूशन। तो दोस्तों आज के लिए रहने देते इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तो देखेंगे आगे के सोल्यूशंस को बहुत ही प्यारे तरीके से। तो फिलहाल इस इतने सोल्यूशंस में अगर कहीं भी आपको कोई तरह का प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो कमेंट में भी कुछ अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।